हेलो स्टूडेंट्स, SV किड्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स के अंदर अपना चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे। तो जो चैप्टर थर्ड है उसका नेम है नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। इसके लिए सभी स्टूडेंट अपनी बुक का पेज नंबर 27 निकाल लेंगे। तो अपने जो चैप्टर थर्ड है उसको देखो स्टार्ट करते हैं। नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। फिंगर टूल्स, उंगलियों के माध्यम से आपको जो बताया गया है कि कैसे नंबर 1 2 वो आपको पता चल जाता है। अब देखो, राइट द नंबर्स शोन बाय द फिंगर्स ऑफ द हैंड। देखो ब्रैकेट में ऐसे लिखा है ना, एक हाथ होता है तो उसको हैंड बोलते हैं। अब देखो इस पेज में कई हैंड दिखाए हुए हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, हैंड्स। इन ईच फिगर, अब देखो 1 के लिए क्या दिखाया है, एक फिंगर दिखाई है, तो इसका अर्थ क्या है, 1 2 है तो देखो 2 फिंगर दिखाई है, तो देखो 1 2। अब देखो आगे है 3, तो 3 फिंगर दिखाई है, 1 2 3। आगे है 4, तो देखो 4 फिंगर दिखाई है, 1 2 3 4। अब देखो आगे है 5, देखो पूरे हाथ में कितने फिंगर्स हैं, 5, 1 2 3 4 5। आगे देखो 6 है, तो एक हैंड की 5 फिंगर्स होती है, तो दूसरे हाथ की 1 फिंगर लेके कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। आगे है 7, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो आगे देखो 8 हैं, 5 इस हैंड की हैं और 3 इस हैंड की हैं, तो कितनी हो गई, 8। आगे देखो 9 हैं, इस हैंड की 5 और इधर 1 2 3 4, 5 और 4 कितनी होगी, 9। आगे देखो 10, 5 इस हैंड की और 5 इस हैंड की, तो 5 और 5 कितने हो गए, 10। तो देखो इस पेज पे आपको ये हैंड्स के माध्यम से बताया हुआ है 1 से लेकर 10 तक नंबर्स का। अब सभी स्टूडेंट पेज नंबर 28 पे आएंगे। अब देखो इसमें क्या है, एक्सरसाइज 3.1 है, काउंट एंड मैच फर्स्ट इट्स डन फॉर यू। देखो पहले 1 दिया हुआ है, तो 1 इधर पिक्चर के अंदर 1 है, तो इसको 1 के साथ मैच किया है। इसी तरीके आपको ये सारी एक्सरसाइज करनी है। अब देखो नंबर है 2, तो ये आपके सामने जो 6 पिक्चर है ना, तो जहाँ 2 पिक्चर होंगी वहाँ पे आपको उसके साथ मैच करना होगा। अब देखो ट्री पे 2 मंकीज दिखाए हैं, तो आप 2 को 2 से मैच कर दोगे, ठीक है। इस तरीके आपको जो एक्सरसाइज 3.1 करोगे। आप पेज नंबर 29 पे देखें, 3 है, तो देखो इनमें से 3 पिक्चर्स का दी हुई है, तो देखो ये है 1 2 3, तो इसको 3 को 3 के साथ मैच कर दोगे। और आगे देखो 4, तो इनमें से देखो 4 पिक्चर्स कहाँ पे है, पहले में तो 1 है, फिर 1 2 3 4 5 है, मगर अपने पास नंबर है 4, तो 4 के साथ मैच करो, 1 2 3 4, तो 4 को 4 से मैच कर दिया। अब सभी स्टूडेंट पेज नंबर 3030 पे
आएंगे। तो अब अपने पास नंबर है 5। तो देखो 5 जहाँ पे पिक्चर्स हैं वहाँ आप इस नंबर को मैच कर दोगे। पहले पे देखो 1 है, फिर 1, 2, 3, 4 है, फिर आगे 1, 2, 3 है। तो आपको मैच किससे करना है? नंबर 5 से। आगे देखो 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 को 5 से मैच करोगे। आगे आपके पास नंबर है 6। तो 6 देखो कहाँ पे है, पहले तो 2 चेयर दी हुई है, फिर 1, 2, 3, 4, 5 है, फिर आगे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जहाँ पे 6 है तो 6 नंबर को 6 पिक्चर्स से अपने मैच कर दिया। अब सभी स्टूडेंट पेज नंबर 31 पे आएंगे। नंबर है 7। तो काउंट करो कहाँ पे है 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, मगर अपने को मैच किससे करना है? 7 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो इधर देखो 1, 2, 3, 4 है, इधर 1, 2, 3 है। तो इधर जो बनाना है इसको काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अपने 7 को 7 बनाना के साथ मैच कर दिया। आगे इसी तरीके से 8 देखो, 8 पिक्चर्स कहाँ दी हुई है, तो देखो इधर 1, 2, 3, 4 है, इधर 1, 2, 3, 4, 5 है, और इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, और इधर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। तो 8 को 8 पिक्चर के साथ मैच कर दिया। अब सभी स्टूडेंट पेज नंबर 32 पे आएंगे। आगे नंबर है 9। तो 9 पिक्चर्स देखो, इधर तो 1, 2 है, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 को 9 से मैच कर दिया। आगे देखो है 1, 0, 10। तो 10 देखो कहाँ पे 10 पिक्चर्स है, काउंट करो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो जहाँ पे अपने मैच नहीं करेंगे, फिर देखो 1, 2, 3, 4 है, तो जहाँ भी मैच नहीं होगा। आगे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जहाँ भी मैच नहीं होगा। तो आगे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, जहाँ पे भी मैच नहीं होगा। आगे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जहाँ पे अपने को 10 से 10 पिक्चर पे मैच कर दिया। अब अपने इसका जो पार्ट बी है वो करेंगे। पेज नंबर 33 पे आएंगे। तो देखो पढ़ो, काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द कलेक्शन एंड राइट इट इन द प्लेस होल्डर। एक बार दोबारा समझो, काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन एंड राइट इट इन द प्लेस होल्डर। आपको क्या करना है, इन पिक्चर्स जो आपके सामने दी हुई है ना ऑब्जेक्ट्स, उनको आपको काउंट करके बॉक्स के अंदर जो प्लेस होल्डर, इसको बोला है प्लेस होल्डर के अंदर आपको काउंट करके इनका नंबर लिखना है। तो काउंट करेंगे 1
टू थ्री, तो यहाँ पे क्या नंबर आ जाएगा, थ्री। आगे देखो अम्ब्रेला दिया हुआ है, इसको काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ पे आ जाएगा फाइव। आगे देखो वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर। आगे देखो वन है तो वन, आगे देखो वॉच दी हुई है, वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइव। आगे काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेवन। आगे देखो इसको काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, आगे देखो वन टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू। इस तरीके से जितना मैं वर्क आज आपको करवा रही हूँ, सभी स्टूडेंट अपनी बुक पे इसी तरीके फिल करेंगे। अब सभी स्टूडेंट पेज नंबर 34 पे आएंगे। तो देखें एक्सरसाइज 3.2, इसमें क्या करना है, मैचिंग 1-1 आपको मैच करना है, किस से, काउंट एंड मैच 1-1 ऑब्जेक्ट। पहले तो जितनी पिक्चर्स हैं सबको आप काउंट करोगे, फिर उन नंबर्स को आप क्या करोगे, एक से एक को मैच करोगे, ठीक है। आप देखो टू बुक्स दी हुई है, इनको काउंट करो, वन टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू। आप देखो इधर बुक्स दिखाई है, इधर पेन दिखाई है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वन। आगे देखो इधर पेंसिल दिखाई है, कितनी पेंसिल्स है काउंट करो, वन टू थ्री, और इधर देखो इरेजर हैं, वन टू। और नीचे देखो इधर बैट दिखाई है, इधर बॉल दिखाई है, काउंट करो, वन टू थ्री फोर, इधर काउंट करो, वन टू थ्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्री। अब देखो इधर कितनी पिक्चर है, लॉक दिया हुआ है, इसके सामने की ताला है और इधर चाबी है, तो लॉक वन है और इतने कितने, वन टू थ्री फोर। अब आपको क्या करना है, पहले तो देखो अपने सारों को काउंट कर लिया, अब आप इनको मैच करना है। देखो टू को टू से मैच करना है, आगे थ्री को थ्री से मैच करना है, आगे फोर को फोर से मैच करना है, और वन को वन से मैच करना है। अब सभी स्टूडेंट पेज नंबर 35 पे आएंगे। अब पार्ट बी देखें, इन ईच राउ टिक, देखो जो राइट का टिक दिया है, द वन विच इज डिफरेंट, आपको क्या करना है, डिफरेंट का अर्थ होता है अलग। देखो जो रॉ के अंदर फ्लावर्स दिखाए हैं, इनके अंदर जो एक डिफरेंट है, एक अलग है, उस पे आपको राइट का टिक करना है। अब देखो इसमें देखो जो चार तो फ्लावर दिखाए हुए हैं और एक जे ट्री दिखाया हुआ है, तो इस पे आप राइट का टिक करोगे। आगे देखो जे वन टू थ्री फोर पेन एक जैसे दिखाए हैं, बीच में पेंसिल दी है, तो जहाँ पे अपने
राइट का टिक कर देंगे। आगे देखो, ये 1 2 3 4 जे क्लॉक दिखाए हैं, जे सारे एक जैसे हैं, तो इनमें से जे जो सर्कल दिखाया हुआ है जे डिफरेंट है, इस पे जे घड़ी नहीं बनी हुई, इस पे के लिए जे डिफरेंट है, तो इसको आप टिक राइट से कर दोगे। आगे देखो, 1 2 3 4 जे सारे क्रिसमस ट्री एक जैसे दिखाए हैं, इसके अंदर जे डिफरेंट है, तो जहाँ पे आप राइट का टिक करोगे। और आगे देखो, ये कैरम बोर्ड है, 1 2 3 4 ये सारे एक जैसे हैं, और ये सीनरी दी है जो कि डिफरेंट है, तो जहाँ पे आप राइट का टिक कर दोगे। तो अब सभी स्टूडेंट ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। जो आज अपने चैप्टर 3rd स्टार्ट किया था, नंबर्स 1 to 10, वो अपने कंप्लीट हो गया। अब सभी स्टूडेंट अपनी बुक के अंदर ये जो लेसन 3rd आज अपने कंप्लीट किया है, आप अपनी बुक के अंदर साफ सुंदर हैंडराइटिंग में इस लेसन को कंप्लीट करोगे। अपने मम्मी पापा की हेल्प लेके इस लेसन को समझोगे, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे, ताकि आपको ये लेसन समझ आ जाए। और बुक के अंदर जो वर्क करोगे, साफ सुंदर हैंडराइटिंग में करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।